Hello student, how are you? This is Kiran Goswami from Swasti Bubble School and you are SST teacher. So बच्चे हमारा जो chapter था federalism चल रहा था and last time में हमने जो topic cover किए थे वो थे what is federalism and key features, जिसके बारे में आपको बता चुकी थी federalism क्या है और उसके key features क्या है. ठीक है, अब उससे आगे पढ़ते हैं. जब लास्ट हमारी क्लास ख़त्म होने वाली थी तो मैंने आप सबको बताया था कि फेडरलिज्म को कैसे स्टेबल किया जा सकता है. तो उसके दो तरीके हैं. मैंने ऊपर आपके साथ स्क्रीनशॉट इसका शेयर किया है कि वो दो तरीके कौन से हैं. सबसे पहले कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड सेकेंड है होल्डिंग, सॉरी इट्स नॉट फेडरलिज्म, इट्स फेडरेशन. ठीक है, सेकेंड है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल्स इसमें दो दे रखे हैं आपको, एंड सेकेंड एग्जाम्पल इसका USA एंड सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया. एंड हमारा सेकेंड है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, इसमें फर्स्ट इंडिया है एंड सेकेंड बेल्जियम है. मैंने आपको एग्जाम्पल तो बता दिया लेकिन आपको बताऊँगी मैं अब इनके बारे में बताऊँगी. कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में जो है इंडिपेंडेंट जो स्टेट हैं वो एक साथ आते हैं एंड कंट्री फॉर्म करते हैं एंड फिर गवर्नमेंट के वो क्या कहते हैं डिफरेंट लेवल पर बनाते हैं और जो पावर्स होती हैं वो डिवाइड की जाती है. राइट, ये हमारा है कमिंग टुगेदर में, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल ही बता दिया ऑस्ट्रेलिया एंड मतलब USA एंड ऑस्ट्रेलिया. राइट, एंड सेकेंड मैंने आपको बताया था होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, इसमें क्या होता है एक लार्ज कंट्री होती है जो कि क्या करती है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट जो है फॉर्म करती है और जो पावर्स होती हैं वो स्टेट्स में डिवाइड की जाती है. जैसे कि मैंने आपको फेडरलिज्म के बारे में बताया था, फेडरलिज्म में क्या होती है कई सारी गवर्नमेंट्स आती है जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट बताई थी, तो पावर्स जो है उसमें डिवाइड की जाती है. तो और इंडिया का एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, तो ये क्या था इंडिया एंड बेल्जियम का. राइट, तो ये लास्ट क्लास में हमारा ये रह गया था कि मैंने पूरा नहीं बताया था तो मैंने आपको ये पूरा बता दिया. नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. मैं इसके बारे में आपको आज बताऊँगी, ये टॉपिक कम्प्लीट होगा इस वीडियो में. राइट, तो मैं आपके इस कर में लेट्स स्टार्ट. जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था लास्ट टाइम ने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, तो वो एक मतलब इंडिया के एक बिल्कुल बहुत ही छोटे स्टेट के बराबर है. उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, तो इंडिया में सोचो इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे रिलीजियस हैं, मतलब इसमें हिंदू मुस्लिम सिख मतलब बहुत सारे रिलीजियस इसमें हैं, तो सोचो वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम होती होगी उन लोगों में यूनिटी बनाए रखना, उनको एक साथ रखना, है ना. और सबसे बड़ी बात वहाँ पे पावर्स कैसे शेयर की गई होगी, है ना. सो लेट्स सी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था मतलब जो हमारे इस क्लास में होगा व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं. ठीक है, तो बेटा इतना मतलब इंडिया का जो पार्टीशन हुआ वो एक बहुत ब्लडी और बहुत ज़्यादा पेनफुल पार्टीशन हुआ था. राइट, उसके बाद जाके भारत को आज़ादी मिली थी, उसके बाद इसको इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके बाद एक इंडिपेंडेंट क्या कहते हैं देश कहलाया था. इंडिया में क्या जितने भी कंट्रीज़ हैं वो एक साथ हुए और उन्होंने क्या किया एक नेशन एक देश बनाया. उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और इसके बाद ही इसको एक यूनियन जिसमें क्या किया गया हाँ इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया गया. राइट, इसके बारे में तो आप सबने पढ़ा ही होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे देश आज़ाद हुआ, है ना. तो उसके बाद ही मतलब ये इंडिपेंडेंट नेशन कहलाया, उसके बाद इंडिया को इंडिया जो है एज अ यूनियन स्टेट डिक्लेयर हुआ. और यू नो इसमें क्या कहते हैं फेडरलिज्म मतलब इसे यूज़ नहीं किया, लेकिन जो भी इसके जितने भी प्रिंसिपल्स थे वो क्या थे वो फेडरलिज्म पे बेस्ड थे. यू नो इंडिया को भी क्या कहते हैं थ्री सिस्टम बनाए गए गवर्नमेंट के, इसकी सेंट्रल स्टेट एंड लास्ट जो होती है वो लोकल जो कि पंचायत होती है. राइट, मैंने आपको बताया था सेंट्रल को क्या कहते हैं गवर्न करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट को गवर्न करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी एंड क्या कहते हैं लोकल के लिए जो है पंचायत, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था. आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल के लिए काम करती है एंड स्टेट जो है वो स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ स्टेट को गवर्न करती है एंड वो इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे में, उनके अपने रूल एंड रेगुलेशंस जो होते हैं स्टेट के अलग हो सकते हैं. एंड जो पंचायत होती है आपको पता है गांव वगैरह में
आप बिना सेंट्रल गवर्नमेंट हर गांव में जाके तो देख नहीं सकती क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, क्या चल रहा है। तो क्या कहते हैं, अभी जो पंचायत होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स जाके बताते हैं, तभी जाके वहाँ पे काम होता है। और कोई भी वहाँ पे नॉर्मल डिस्प्यूट्स होते हैं आपस गाँव के लोगों में, तो क्या है वो नॉर्मली पंचायत के थ्रू वो सॉल्व किया जाता है। सेम जाता है स्टेट के लिए, स्टेट बेटा अपने कुछ कानून कुछ लॉ जो है वो खुद ही उसको बना सकती है। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको मतलब देखे या फिर कुछ भी करे, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, राइट। एंड जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होती है उसको जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। आप सभी को पता होगा हमारी यूनियन टेरिटरीज कौन सी है। नहीं पता है तो बेटा कि आपका होमवर्क यही रहेगा कि यूनियन टेरिटरीज़ लिखिए। हमारी अभी 9-2 ऐड भी हुई है नई, तो वो लिखें और लर्न करें और याद करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्न करती है। हमने पहले बताया फेडरलिज्म में इतनी सारी गवर्नमेंट्स आती हैं जो कि गवर्न करती है अपने अपने लेवल्स पे, तो वो सारी फेडरलिज्म में आती है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा जितना हमने पढ़ा, और ये टॉपिक भी मेबी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम जाएंगे, बट वो कब जाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा बाय, टेक केयर, सी यू। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, कॉमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। सी यू।